यूके पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के 25 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान दौरे के दौरान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर असद हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी कामरान खान, यूकेपीसीसीआई के डायरेक्टर्स साजिद खान, शाहिद महमूद, ताहिरा, आसिम यूसुफ, बैरिस्टर वहीदुर रहमान, अमजद खान मौजूद थे। सदर हाजी मोहम्मद सिद्दीक का कहना था की पाकिस्तान दौरे के दौरान 7 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। उनका कहना था की पाकिस्तानी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। B2B मीटिंग हुई है, बहुत मतलब मैं पता चला कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान से बहुत सा सामान जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यकीन करें कि यहाँ यही आप लोगों में मैसेज दे, जो जो लोग यहाँ के इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान से इंपोर्ट करने के लिए हमारे से रब्ता कायम करें। नायब सदर असद हुसैन का दौरे को कामयाब करार देते हुए कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमने इस दफा जो देखा, बड़ा हम इंप्रेस हुए हैं। बहुत तरक्की हो रही है, यंगस्टर्स जो है इतने टैलेंटेड है और हर सेक्टर जो है वो तरक्की कर रहा है, स्पेशली IT सेक्टर जो मेरा सेक्टर है। आई थिंक इस वर्ल्ड नाउट पूरी दुनिया में ऐसे कोई सेक्टर नहीं होगा और इंशाल्लाह आगे से भी बहुत तरक्की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर अहदेदारान का कहना था कि टेलीकम्युनिकेशन, सियाहत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ के चैम्बर्स के साथ मिलवाया जाए ताकि आपको बेहतरीन किस्म की जो सही किस्म की जो मैच मेकिंग हो सके फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। और मेरी रिक्वेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी से ये होगी कि इन्वेस्टमेंट आप पहले से भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि राइट फॉरम और राइट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दुरुस्त मिल सके। यूके पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर का कहना था कि पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफूद बहुत जल्द बरतानिया का दौरा करेंगे। नईम गिलानी, UK 44, लंदन।